तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप जॉब तुरंत छोड़ दे तो उस केस में क्या हो सकता है आपके साथ, क्या कंपनी कोई आप पे लीगल एक्शन कर सकती हैं, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, मैं बता दूं कि फॉर सपोज आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी और उस कंपनी को ज्वाइन किए हुए आपको 5, 10 दिन या 15 दिन हुए या 1 महीने हुए, और आपको लगा कि नहीं, वो काम आपके लिए ठीक नहीं है, या मान लो इंटरव्यू में उन्होंने जो बताया था वैसा काम आपको नहीं देना है, या आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग काम नहीं है, या हो सकता है कई बार कंडीशन होती है कि आप 5 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हो, आपकी आपको किसी दूसरी कंपनी से 7 लाख या 10 लाख का ऑफर आ जाता है उसी टाइम पे। तो क्या करते हैं कि फिर हम सोचते हैं कि चलो कंपनी छोड़ते हैं, और भी एक दो कंडीशन कोई हो सकते हैं, तो फिर हम सोचते हैं नहीं, चलो आप कंपनी छोड़ते हैं, और कंपनी छोड़ के हम दूसरी कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे स्विच करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप कंपनी वो छोड़ते हो तो वहाँ पे जो एचआर होते हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, या फिर आपका जो प्रोफाइल होगा उस डिपार्टमेंट के हेड होंगे या आपके मैनेजर या टीएल होंगे, तो ये बोलने लगते हैं कि नहीं, आप कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब वो डराते हैं कि कर, और एचआर टीम आपको बोलती है कि नहीं, अगर आप छोड़ के जाओगे तो लीगल एक्शन होगा या कुछ और, मतलब तमाम सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताती हैं, सिर्फ इस वजह से कि किसी भी तरीके हम एम्प्लॉय को रोक लें, क्योंकि एम्प्लॉय की हायरिंग 2 दिन में नहीं होती है, उनको महीने महीनों लग जाते हैं एक कैंडिडेट को हायर करने में। जहाँ पे अगर 3-4 लाख एम्प्लॉय होते हैं तो वहाँ पे तो और ज़्यादा उनके लिए डिफिकल्ट होता है एम्प्लॉयज़ को हायर करना। तो उस केस में होता क्या है कि देखो दोस्त, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो जब हम उसमें साइन करते हैं तो एक बार वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पढ़नी चाहिए कि आपके ऑफर लेटर पे या ज्वाइनिंग लेटर पे कहीं पे उन्होंने ऐसा तो मेंशन नहीं कर रखा है जो कि रिलेटेड टू आपके एग्रीमेंट हो या फिर कुछ बॉन्ड वगैरह का हो। तो पहले आप एक चीज़ ये चेक कर लो कि कहीं भी किसी भी तरीके कोई बॉन्ड एग्रीमेंट पे आपने साइन तो नहीं किया है। वो मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा बाद में कि अगर एग्रीमेंट के केस में हम क्या कर सकते हैं, तो वो आप पहले ये चेक कर लो। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका कहीं भी ऐसा बॉन्ड या कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स पे आपने साइन नहीं किया होता है, तो उस पर क्लियरली ये मेंशन होता है, जो कि एक ह्यूमन राइट्स भी होता है, कि आप कंपनी कोई सी भी ज्वाइन करके कभी भी कंपनी छोड़ सकते हो, कोई ज़बरदस्ती आपको एज एम्प्लॉय नहीं रख सकता है, कोई ज़बरदस्ती आपको नौकरी पे नहीं रख सकता है, जब चाहो तब आप कंपनी छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं बॉन्ड और अग्रीमेंट के केस में। अगर आपने 2 साल या 3 साल या 1 साल का आपने बॉन्ड या अग्रीमेंट पे साइन कर रखा है, उस केस में क्या होता है कि देखो, जब आप किसी बॉन्ड या एग्रीमेंट पे साइन करते हो तो उस केस में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको 2 साल रुकना है। लेकिन उसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास ये होता है कि बॉन्ड या एग्रीमेंट पे जितना जितना पेमेंट मेंशन होता है, कि मान लो अगर मैंने कोई कंपनी ज्वाइन करी और उस पर एग्रीमेंट पे 2 साल का साइन हुआ है कि मैं 2 साल तक आपके साथ काम करूँगा, ठीक है, और 2 साल तक काम करने के लिए मैं अग्री नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ मैं 1 साल बाद कंपनी को छोड़ दूंगा, मुझे कहीं से ऑफर लेटर आ गया, तो जब वो अग्रीमेंट साइन होता है ना, तो उस पर लिखा होता है कि अगर 2 साल से पहले आप कभी भी कंपनी छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये इतना कंपनी को देना होगा। मतलब आप कंपनी को पे करोगे 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपये, तो इस केस में भी आप वहाँ से जा सकते हो, बट आपको कंपनी को देना पड़ेगा। एंड दोस्तों, इस केस में और क्या कर सकते हो कि आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हो। देखो, नॉर्मली तो कंपनीज मानने से नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगी, लेकिन आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन जो होता है कि आप बॉन्ड अग्रीमेंट परचेस कर सकते हो जितना उसमें अमाउंट लिखा हुआ है। और बाकी अगर और आगे आप जाना चाहो तो एक कंडीशन और भी होती है, अगर आप वो करना चाहो, कंपनी आपसे सिर्फ उतना पैसा ले सकती जितना उन्होंने आपके इंडक्शन के टाइम पे खर्च किया है और जितना आपके ट्रेनिंग को उन्होंने खर्च किया है। मान लो 15 दिन तक ट्रेनिंग हुई, 1 महीने तक उन लोगों ने आपको सिखाया, 2 महीने तक सिखाया, तो जितना ट्रेनिंग में पैसा खर्चा हुआ, इंडक्शन के टाइम में आने जाने का, रहने का जो टोटल खर्चा होगा, तो वो कंपनी को आप पे कर दो कि तब भी कंपनी को छोड़ना पड़ता है। बट मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, जितना एग्रीमेंट पे लिखा होता है वो उतनी वैल्यू ही मांगती हैं, तभी आपको वहाँ से छोड़ के जाने देती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम मैम, तो नेक्स्ट वीडियो में टेल देना है ग्रेट मोमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।